हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग मॉडल ऑफ साइक्लोट्रॉन के बारे में। बेसिकली क्या है ना, ये एक डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल। इसको यूज़ क्यों किया जाता है? टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स विथ हाई एनर्जी। तो हम लोग आज इसके मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये इक्वेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं, अगर ये जिस टाइम भी पूछे जाए तो ये मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग स्टेप्स से जाएंगे इसके, जैसे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक, कहाँ यूज़ किया जाता है, हाउ यूज्ड, वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इनर्जी ऑफ क्यू के बारे में बात करेंगे, जब जब क्यू चार्ज जो है किस एनर्जी के साथ वो साइक्लोट्रॉन के मॉडल से बाहर निकलेगा। ठीक, फिर हम लोग टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे क्यू चार्ज के, फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, और इसका यूज़ कहाँ पे नहीं किया जाता इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका यूज़ अपन लोग देख लेते हैं, यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ये यूज़, तो ये पहली बात तो यूज़ किया जाता है टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके, टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके। तो स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके। इसका नेक्स्ट यूज़ है जो कि है इंसर्ट आयन इन सॉलिड, इंसर्ट आयन इन सॉलिड। अच्छा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को उसके हाई एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास और एक तरीका भी मौजूद है जो कि है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे कि ये एक प्लेट है, ठीक, ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव फील्ड टू नेगेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और क्यू चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू चार्ज अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो वो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो उसमें फोर्स कैसे कैसे लगेंगे? क्यू ई इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये एम ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? क्यू ई बाई एम। तो हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आगे करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग और एक बात जानते हैं कि वी इज स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग इस प्लेट का अगर डिस्प्लेसमेंट, इस प्लेट को अगर डिस्टेंस अगर बढ़ा दे तब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, तब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, हमारे पास और एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट टी एक्स। अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जाए तो वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स। ठीक, दिस इज द डिस्टेंस, तो वी बाई ई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक, डी एक्स क्या है? डिस्टेंस है। अगर हम लोग डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे, डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज हो जाएगी तो आप फिर इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज। देखिए, तो मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से तो इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? तो अब वर्किंग के बारे में बात करते हैं इसके। उससे पहले और एक छोटी सी बात, तो हम लोग यूज़ करते हैं ना बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपन यूज़ करते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड को बी से डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। उससे पहले और एक छोटी सी बात जान लीजिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई क्यू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, वो होता है बी इज इक्वल टू क्यू वेलोसिटी वेक्टर इनटू फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, और अगर कोई भी पूछे कि साइक्लोट्रॉन में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल होता है, तो
तो वो था 90 डिग्री। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी, असाइन 90 का वैल्यू 1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी। बस आप लोग अभी ये याद रखें कि फोर्स एक्सपीरियंस जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, क्यू वी वेक्टर, वी वेक्टर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके हाउ इट्स वर्क। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी एक मॉडल बना रखा है, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जैसे कि पेपर से बाहर निकलता हुआ, ठीक, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहे हैं। ठीक, इसको कहते हैं डीज, DWS, राइट। ये है डिफ्लेक्टर, चार्ज पार्टिकल जहाँ से बाहर निकलेगा वो। ठीक, यह है ऑसिलेटर, ऑसिलेटर आप सिंपल समझ सकते हैं, यह कोई डीसी सोर्स नहीं है, यह है एसी सोर्स। एसी सोर्स की वजह से क्या होगा कि पोलैरिटी जो होगी वो चेंज होती रहे, स्वैप होती रहेगी, जैसे कि पहले ये पॉजिटिव प्लेट रहेगा, फिर ये नेगेटिव, फिर कुछ टाइम बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, तो ये पहले क्या करता है, ये ऑसिलेटर जो है होता है वो पोलैरिटी चेंज करता रहता है डीज का। ठीक, तो मान लेते हैं फर्स्ट केस, जब जब ये वाली जो डीज है, जो इसको हम लोग लिख लेते हैं D1, मतलब कि डीज पहला, ये डी दूसरा, दूसरा डी। मान लेते हैं पहला डी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, एसिलेटर चेंज करता रहता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, दूसरा डीज जो है वो नेगेटिव है, पहला केस में मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो क्यू चार्ज उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में, तो फोर्स कितना होगा, क्यू टाइम्स ऑफ ई। ठीक, अच्छा, डीज के अंदर कोई भी हॉलो हॉलो सिलेंड्रिकल डिस्क या फिर स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या, वो जाता है जीरो। ठीक, ये बात आप जानते होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डीज, डी जीरो हो जाएगा, तब यहाँ पे वर्क करेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल को कब तक एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक एक्सेलरेट करेगा जब तक ये डीज के जस्ट यहाँ तक ना पहुँचे। जैसे ये डीज के अंदर जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, फिर वहाँ पे क्या वर्क करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो एक्सेलरेट कब तक करेगा, जब तक कि ये डीज के जस्ट अंदर तक पहुँचने वाला होता है, जैसे ये डीज के अंदर पहुँचा वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, ये लिखा है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, जिसकी वजह से ये घूम रहा हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। ठीक, ये वी से वी मर गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया, क्यू वी आर बाई एम। ठीक, वेलोसिटी आ गया, तो ये जैसे इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर एक सर्कुलर फोर्स लगेगा और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक ठीक यहाँ से बाहर, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस अब जैसे ये बाहर आने वाला होगा, तो यहाँ पे अब इस पर क्या लगेगा, यहाँ से फिर इसके पास ये फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये यहाँ तक आएगा। ठीक, कब तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एक्ट करेगी, तब तक ये वाला देखिए, जब तक ये अंदर चला गया ना, फिर पोलैरिटीज की क्या हो गई, नेक्स्ट केस में अब ये वाला प्लेट अब नेगेटिव, पॉजिटिव था ना, तब ये वाला प्लेट अब नेगेटिव हो गया, और ये वाला प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट केस में ये वाला प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये वाला प्लेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक्ट करेगी, और जैसे ही चार्ज हमारा घूम के इधर से आ रहा होगा, जैसे कि ये वाला चार्ज, तो अब फिर से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव, तो फिर से एक्सेलरेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको। ठीक, फिर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक इसको एक्सेलरेट करेगा, जब तक ये डीज के जस्ट कोने तक ना पहुंचे, जैसे ये डीज के अंदर चला गया,
फिर वहाँ पे क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चालू हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड फिर एक्ट करने लगेंगी, फिर इसके अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड अब लग रहा है। ठीक, यहाँ पे तो अंदर में तो इस कंडक्टर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होती है नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। फिर इसको एक्सेलरेट करेगा यहाँ तक, फिर ये जस्ट डीज के यहाँ तक जन आया, जस्ट डीज के कोने तक आया, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगना बंद हो गया, और फिर क्या हो गया, फिर स्विच कर दिया पोलैरिटी को, फिर इसकी पोलैरिटी फिर से पॉजिटिव हो गई, फिर नेगेटिव हो गया ये, तो फिर ये डीज के इस कोने तक आ गया। ठीक, ऐसा टिल तब तक चलेगा, टिल तब तक चलेगा जब तक कि क्यू चार्ज डीज के जस्ट एकदम एग्जिट तक ना आ जाए, जस्ट एकदम कोने तक ना आ जाए। ऐसे करते करते जस्ट इसके जब कोने तक ना जाए, और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम, रेडियस तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक, तो इस तरह से हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक, तो अब अपन इसको ना लिख लेते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक, अब एग्ज़ाम में आएगा तो इसे कैसे लिखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अंटिल इट इंटर नेक्स्ट डी, इस डी से इस डी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब तक ही वर्क करेगी नेक्स्ट डी। ठीक, और इसके अंदर फिर क्या एक्ट होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड डी डी नेक्स्ट डी के अंदर, मतलब कि सेकेंड डी के अंदर, डी इसके अंदर क्या एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, क्यू चार्ज एक्सपीरियंस करेगा सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर पाथ। ठीक, तो जैसे ही सर्कुलर पाथ एक्ट किया, फिर ये वाला पोलैरिटी फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एक्ट करेगी, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव। ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करना स्टार्ट, फिर ये इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर देगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर देगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे इसके वर्किंग मॉडल पे। अब अपन बात करेंगे इसके एनर्जी के बारे में, बात करेंगे आप। ठीक, एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज व्हेन इट कम आउट। अच्छा, एनर्जी के लिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अच्छा, हम लोग फोर्स का लिखे हैं, मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्यू वी बी, मैंने पहले ही आपको दिखाया, और इसी फोर्स की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर रहा होगा, तो एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू वी बी, भी से भी मर गया, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। ठीक है, ठीक, अब हम इस वेलोसिटी को अब अपन इसमें पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम, और वी के जगह पे वाला वैल्यू को पुट करते हैं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, पुट किया। तो एनर्जी के वैल्यू क्या होती है, द एनर्जी ऑफ क्यू जब वो वेन इट केम आउट, वो क्या होती है, हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ डी डीज। ठीक, एम क्या है, मास ऑफ चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज इसका क्या है। ठीक, प्रोटॉन होगा तो उसके चार्ज की वैल्यू डाल देंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा। ठीक, एम इसे इधर से एक, एम इधर से भी एक मर गया, तो इसका लास्ट एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू एम। ठीक, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू एम एनर्जी। ठीक, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है, टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक, टाइम पीरियड ऑफ क्यू,
नेक्स्ट बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ क्यू। क्यू चार्ज, इस चार्ज की जो टाइम पीरियड होगी ना वही होगी इस वही होगा इस टाइम पीरियड ऑफ क्यू चार्ज होगा वही होगा टाइम पीरियड ऑफ एसी ऑसिलेटर, ऑफ एसी ऑसिलेटर। अच्छा, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, 2πr सर्कुलर पाथ, और वी तो वी ही रहेगा, ठीक। वी की वैल्यू हमने और एक फाइंड किया, वी क्या होता है, वी की वैल्यू क्या है, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम। वी क्या है, क्यू बी आर बाई एम, ठीक। इस वी को इधर पुट करते हैं, 2πr बाई क्यू बी आर में एम। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ क्यू चार्ज क्या आ गया, 2πm बाई क्यू बी, ठीक। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा चार्ज चार्ज का, क्यू बी बाई 2πm, राइट। और क्या, क्यों भी हम लोग फ्रीक्वेंसी भी देख लिया, टाइम पीरियड भी देख लिया, अब इसे यूज़ कहाँ नहीं करते, नॉट यूज्ड फॉर, नॉट यूज्ड फॉर, अनचार्ज स्पीसीज के लिए नहीं यूज करते, अनचार्ज स्पीसी के लिए इसे यूज नहीं करते, नॉट यूज। और वेरी स्मॉल चार्ज के लिए भी इसे यूज नहीं करते, वेरी स्मॉल चार्ज। बस इतनी बातें अगर आपने लिख दिया तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कन्फर्म। थैंक यू।